विटनेस, विटनेस यानी गवाह। इंसाफ की देवी की आंखें तो सच्चे गवाह होते हैं। आमतौर से लोग गवाही देने से कतराते हैं। मास्टर, अनजाने में भी झूठा बयान देना एक जुर्म है, लेकिन जानबूझ के झूठ बोलना उससे भी बड़ा जुर्म है। विदहोल्डिंग द ट्रूथ इज मोर हाइनस क्राइम देन अपहोल्डिंग फॉल्सहुड। विक्रम। यस विक्रम, अभी तूने क्या किया कमीने? तुझे उसे क्या, चपड़ा तोड़ दूंगा तेरा। What nonsense? ये लॉ कॉलेज है या कराटे स्कूल? क्लासरूम में मारपीट क्यों की? विक्रम ने ही मुझको मारा सर। He's right सर, लेकिन क्यों? इसी से पूछिए। शामली से रोमांस करने में मस्त था, मैं सबक सुन नहीं पाया, जरा चुप रहने को बोला तो बस मुझे मारने लगा। शामली, ये सच बात है? एकदम झूठ है सर, ये मुझको टीज कर रहा था, विक्रम ने तो बस रोका। आप भी खूब है, प्रेमिका प्रेमी के खिलाफ बोलेगी? प्रोफेसर साहब से पूछिए ना। क्यों प्रोफेसर जी, 5 जवान बेटियां हैं आपकी, आप बतलाइए इन्हें। कभी नहीं, इसने झगड़ा किया ही नहीं, ये तो वैसा है ही नहीं, बड़ा भोला भाला है। क्यों विक्रम, क्लास में सबको डिस्टर्ब ही नहीं किया, बदमाशों की तरह मारपीट भी की। इट्स शीयर इनडिसिप्लिन, तुम्हें 15 रोज के लिए सस्पेंड करता हूं। विक्रम बेटे, माफ कर दो मुझको, झगड़े के मामले में झूठ बोला मैंने, लेकिन मैं लाचार था विक्रम। सच ना बोलने से भी तुम मुझे नहीं सताते, तुम भले आदमी हो, लेकिन उसको ना बचाता तो वो मुझ पर बहुत जुल्म करता। मैं 5 बेटियों का बाप हूं, जान के भी मजबूरियों के कारण सच से मुंह मोड़ने वालों में से मैं भी एक हूं। सच या झूठ बोलने के वक्त सिर्फ 3 बातों पर नजर होती है हमारी, लाभ पर, हानि पर, हिसाब पर। फिर तो लॉ प्रोफेसर की जगह गणित के प्रोफेसर बन के नाम कमाइए सर। आपकी तो 5-5 बेटियां हैं, अब और मत पैदा कीजिए सर। ऑपरेशन करवा लिया? What is this? ये चिता बनाने, विटनेस बॉक्स लाने का मतलब? गवाही की मौत हो गई है, अब दाह संस्कार करेंगे हम, मर्जी हो तो हाथ बताइए। What nonsense? गवाही की मौत, बॉक्स की मौत, पढ़ाई छोड़कर इस दाह संस्कार का मकसद? कैसी पढ़ाई सर, वो पढ़ाई किस काम की जिस पर अमल न हो सके? हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ही जब अपनी बातों पर खुद अमल न करे तो उनसे पढ़ने का फायदा? कल क्लासरूम में जो झगड़ा हुआ उसे अपनी आँखों से देख कर भी प्रोफेसर सामने झूठी गवाही दी। कानून पढ़ाने वाले ने कानून को मार डाला, उसका क्रियाक्रम करने में क्या बुराई है? क्यों प्रोफेसर साहब, ये सब क्या है? कुछ नहीं सर, विक्रम के सस्पेंशन के मामले में मुझ पर शुबा है इन्हें। ऐसी कोई बात नहीं है सर, भविष्य के खौफ से वर्तमान को बलि पर चढ़ा रहे हैं ये प्रोफेसर साहब। 5 बेटियों के लिए मेरा जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये महाशय। प्रोफेसर साहब, सच सच बताइए, कल आपने क्या देखा था? बोलिए प्रोफेसर जी, सच सच बोलिए, बात क्या है, डरते क्यों है? सब जग्गू की गलती थी, विक्रम की नहीं सर। गुड इवनिंग मम्मी। गुड इवनिंग। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। तुम? मिस शामली, मेरी क्लासमेट। आई सी, कमिश्नर जगन्नाथ राव जी की बेटी हो ना, विक्रम ने बोला था। मैंने और एक बात नहीं बताई मम्मी, मेरे कॉलेज से सस्पेंड होने की वजह यही देवी जी थी। हाँ आंटी, और अब फिर बुला लिए गए, उसका भी कारण मैं ही हूँ। वेरी गुड। क्यों विक्रम बेटे, कहा था ना मैंने तुमसे, चाहे जो भी हो तुम ही जीतोगे। नहीं मम्मी, शामली ने आंदोलन किया, प्रिंसिपल असलियत जान गया। ये समझ लो सत्य के लिए आंदोलन करो तो ही जीत होती है। वेल सर, जरा इधर देखिए, स्माइल प्लीज। वाह, एक दूजे के लिए, मेड फॉर ईच अदर। ये मेरी बहन है, प्रेस रिपोर्टर, इसके कानों बैठने में बड़ा मजा आता है। भैया की नाक फोड़ने पे मुझे भी मजा आता है। नाइस टू बी विद यू आंटी, मैं चलूं। खाना खा के जाओ। आप फिर कभी आऊंगी। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय बाय। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, बैठिए।
मिस्टर रामेश्वर जी, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनाइए। ठीक है दबाकर जी। जी 102 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनके इलाके में मर्डर और खून पहले से भी ज्यादा हुआ। शाबाश मिस्टर 102, कीप इट अप। थैंक यू सर। बैठिए। मजहबी फसाद इनके इलाके में कम हुए, ये रिपोर्ट 503 की है। व्हाट मिस्टर 503? अब ज्यादा होंगे सर। सिट डाउन। बलिया में तैनात नंबर 555 गए महीने की 17 तारीख को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, डेड लक। आई सी। मिस्टर 303 जी, 2-3 हफ्ते आप 555 के कामों को संभालिए, चाहें तो 1-2 असिस्टेंट भी ले जाइए। यस सर। बैठिए। बाकी नंबरों के बारे में तो बताने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हो, हर इलाके में फैले हुए हमारे एजेंटों की मेहनत से अपराधों और गुनाहों की संख्या गए साल से इस वर्ष तकरीबन 25% और बढ़ गई है, यही खुशी की खबर है। That's a fine record. ऐसे ही मेहनत करने से कामयाबी कदम चूमेगी, फिर मैं आपकी जेबें भर दूंगा। विश यू ऑल सक्सेस। एक लड़की के पीछे मार खा के मुंह दिखाने आया है मुझको, वेरी बैड। देखो जग्गू, पूरे मुल्क में होने वाले जुर्मों के पीछे तुम्हारे बड़े भैया का हाथ जरूर होता है। इनके छोटे भाई होकर इस तरह तुम मार खा के आओगे तो इनका नाम खराब नहीं होगा। करेक्ट डैडी, लाख रुपए की बात आप बोले। रुपये की नहीं, रुपयों की। मुंह बंद कर उल्लू कहीं का। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो गधे के बच्चों। भैया हालात को देखकर विक्रम को छोड़ दिया, मुझको मारने वाले हाथों को काट कर मैं आपके कदमों में फेंक दूंगा। गॉड ब्लेस यू। तुम बातों में परमवीर हो, लड़ने का मौका आता है तो तुम दबा के भागते हो। हाथ काटने का मतलब छोकने के गाल काटना समझा है क्या? आप ट्रायल क्लासमेट से तुम मरम्मत करवा के आए हो, तुम्हें अपना रिश्तेदार कहते, शर्म आती है मुझे। जुबान बंद करो कमबख्तों। 24 घंटों के अंदर अगर मैंने विक्रम की सारी हेकड़ी ने बुला दी तो मेरा नाम बदल देना। क्यों चूहे, गॉगल्स लगा के हीरो बन गया जो हीरोइन को लेकर शहर को निकला है? आज दिखा अपने पैंतरे। क्यों भाई, क्या हुआ? हुआ नहीं, अब होगा। मुझको सस्पेंड करा के खुद मौज मस्ती मना रहा है तू? 32 ही हाथ में रख दूंगा। इन परमवीरों को लाकर मेरी प्रेमिका के सामने मेरा अपमान करना ठीक नहीं। बीती बातें भूल जाओ, सॉरी बोल दिया ना, अब जाओ। सॉरी बोलने से क्या होगा, मेरे सब साथियों को बारी बारी सलाम करो। सलाम के बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सबको लाइन में खड़े होने को बोलो। दोस्तों लाइन लगाओ। उधर देखो। हेलो, कौन? सुधाकर, बोस्टन से। कैसे हो? आई सी। क्या कहा? श्योर श्योर, मेरा आना तो मुमकिन नहीं, शामली के इम्तिहान खत्म हो गए, अब छुट्टियां हैं, उसी को कल के प्लेन से भेज ही देता हूं। ओके। शामली, ये अचानक अमेरिका का प्रोग्राम कैसे बन गया? बोस्टन वाली मेरी बहन को लीवर का प्रॉब्लम है, जीजा जी ने फौरन बुलवाया है। 7-8 रोज में तो लौट आओगी ना? अमेरिका बगल का गांव है क्या? कम से कम 6-7 महीने लगेंगे।
तब तो हर घंटे में दो फोन, रोज 4-6 लेटर्स, नहाते हुए बेथिंग कॉस्ट्यूम में अपना वीडियो टेप मुझे जरूर भेजना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रियली? सुनो, हमारे बहुत से बॉयज ब्याह करके अमेरिका में ही बस जाते हैं। तुम भी किसी अमेरिकन बॉय के साथ सेटल ना हो जाओ, इसी वजह से अंगूठी दे रहा हूँ। लो पहन लो। सो प्रीटी, थैंक यू। चलो, डैडी वेट कर रहे होंगे। ए, विश यू स्मूथ लैंडिंग, एज स्मूथ एज माय लव। थैंक्स। देखा, ये तावीज है? यू सिली। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मेरी लगन, कामयाबी और साहस के लिए स्टेट लेवल पर, समझे, स्टेट लेवल पर मुझे सरकार ने मेडल दिया है। तुम इसे तावीज समझ बैठे? रियली? कांग्रेचुलेशंस। मेरी बहन इतनी इंटेलिजेंट है कि मुझे आज तक मालूम ही नहीं था। कीप इट अप। ये मेडल तुम अपने पास रखो, और भैया तुम देखो तो सही, ऐसे में कई मेडल अपनी मेहनत से कमाकर तुम्हें प्रेजेंट करूंगी, तब तुम मेरी प्रतिभा को पहचानोगे। विश बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट। गुड नाइट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पदवी स्वीकार करते हुए मैं विक्रम कुमार, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पदवी स्वीकार करते हुए मैं विक्रम कुमार, भारतीय संविधान का मन वचन और कर्म से पालन करूंगा, भारतीय संविधान का मन वचन और कर्म से पालन करूंगा, निर्दोषियों को बचाना और दोषियों को कानूनन सजा दिलवाना अपना धर्म समझूंगा, निर्दोषियों को बचाना और दोषियों को कानूनन सजा दिलवाना अपना धर्म समझूंगा, अपने धर्म को निभाने की कोशिश में कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा, अपने धर्म को निभाने की कोशिश में कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा। मैं सच्चे दिल से शपथ लेता हूँ। मैं सच्चे दिल से माँ के पवित्र चरणों की शपथ लेता हूँ। बेटे, हटो, परे हटो, परे हटो, परे हटो। रोसल केस में लाई लड़की जहाँ देखी लगे मक्खी की तरह बिन बिनाने, ये बहुत बुरी आदत है। ये आकाश से थोड़ा उतर रही है, सबकी तरह वैन से उतर रही है। क्या बात है, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, फिर बिला वजह क्यों अकड़ती हो? तुम अपने आप को सचमुच सावित्री समझते हो? चलो, छूइए मत इंस्पेक्टर साहब। ओहो, मेरे छूने से और मैली हो जाएगी, बिल्कुल पवित्र है ये। चलो। वो मैडम, योर ऑनर, अंधा पति पाकर गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, उसकी वजह थी स्त्री जाति का पातिव्रत धर्म। लेकिन इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बांधने की वजह यह है कि ये अपनी नारी जाति के कुकर्म व पाप न देख सके। सुंदर मुखड़े और जिस्म का मर्दों पर जाल फेंकने वाली ये पतिता नारी जाति के नाम पर एक घिनौना धब्बा है। ऐसी नारी के कारण अपना अपमान न हो, इसी डर से इंसाफ की देवी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। इन महोदय की जमीन पर कब्जा करके बदन का व्यापार करने वाली इस वेश्या को झूठे ग्राहकों को भेजकर पुलिस ने पकड़ लिया। मैं अदालत से मुलजिमा को सख्त से सख्त सजा देकर रामेश्वर जी के साथ इंसाफ करने की प्रार्थना करता हूं। मुकदमे के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिमा 2 महीने की सजा भुगते जुर्माना अदा करे। बड़ी समझदारी से अपने पहले केस की बहस करके न्याय दिलवाकर अपने पेशे का रुतबा बढ़ाने वाले काबिल वकील विक्रम को कोर्ट मुबारकबाद देती है। भैया, मुबारक हो भैया। स्माइल। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, सब आपको बधाई दे रहे हैं, मैं सिर्फ रामेश्वर को बधाई देती हूँ। आपकी बहस ने मुझे वैश्य का दर्जा दिया, पर उन्होंने कानून तक को कोठे पे बिठा दिया, तो मेरे लिए आपसे ज्यादा महान वो हुए ना। ये क्या शोर शराबा है? कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, अब ये चिल्लाफों खाएगी। कोर्ट में झूठी गवाहियां दिलवाने से हमारी बहन सावित्री मुझे बन जाएगी क्या? रुपया फेंको तो सच को झूठ में और झूठ को सच में बदल सकते हैं काले कोर्ट वाले बाबू। हम लोगों की बहन सावित्री को बदनाम किया है इन्होंने, ये अन्याय है, जुल्म है। लाठी, खाकी वर्दी
और मुझ जैसे सब इंस्पेक्टर को देखकर भी तुम लोग मुझसे ऐसी बात करते हो। अब छोड़ूंगा नहीं, लाठीचार्ज करूंगा। करो तो सही। हाँ करो तो सही, उसके बाद क्या करूंगा? टियर गैस से? हाँ यही 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 यही। मामूली गैसों से नहीं डरते हक के लिए लड़ने वाले। देखो ताव ना दिलवाओ मुझको। उसके बाद क्या करूंगा? फिर तो फायरिंग। यस, धमाल धमाल बंदूक चलाऊंगा। हम पर तुम जितने भी जुल्म करो, जब तक सावित्री को नहीं छोड़ोगे हम आपको जाने नहीं देंगे। ये क्या हुआ, मेरी पावर खत्म हो गई? जी नहीं, मिलिट्री बुलाएंगे। वो नहीं, वो तो हम पे गोलियां चला देंगे। भाइयों, माताओं, डैडियों, इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट बड़े धर्म संकट में है, मुझे गलती करने पर मजबूर ना करो। तुम लोग जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप सावित्री को छोड़ दीजिए। पर क्यों, कोर्ट के मुलाजिम होकर तुम भी इनसे मिल गए? ऐसा नहीं, सावित्री पर हुआ जुर्माना भर दिया गया है, ये है उसकी रसीद। देवी जननी महालक्ष्मी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जाओ सावित्री। मेरा जुर्माना भरा किसने? मैंने। तुम्हें मुजरिम साबित करने वाले ने जुर्माना भर दिया, ताज्जुब हो रहा है। मुझे इन लोगों के प्यार में तुम्हारी सच्चाई मालूम होती है। कोर्ट में तुमको वेश्या कहकर सचमुच मैंने बहुत बड़ी भूल की। कोर्ट में झूठे गवाह और झूठे सबूतों के बल पर हुई भूल का प्रायश्चित करने के लिए मैंने जुर्माना भर दिया, लेकिन जो कुछ हुआ वो कोर्ट में बोल देती तो ये नौबत ही नहीं आती। कोर्ट कचहरी से तो हमारा भरोसा बरसों पहले ही उठ चुका है। गरीबों की तो भगवान भी नहीं सुनता, कोर्ट क्या सुनेगा? पैसे वालों का ही हर तरफ बोलबाला है। भला चाहने वाले पर भी तुम्हें भरोसा नहीं? इतनी बड़ी भूल कैसे हुई, अपने स्वार्थ के लिए तुम पर इल्जाम किसने लगाया, मुझे पूरी बात बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ऐसा है तो हमारी कॉलोनी में आइए, सब कुछ अपनी आंखों से देखिए। दादी दादी, यहाँ अंग्रेजी शराब हर समय मिलती है, हिंदी की नहीं मिलेगी? बेटा, यहाँ सस्ते दामों में हर किस्म की दारू मिलती है। सस्ते दाम वो तो है डैडी, सांड जैसे दो लड़कों के डैडी हो तुम, ऐसे ही लुभाना आपका परम धर्म है। अब कैसे मिलेगी दारू सस्ते दाम पर? किस तरह? इस तरह। अब तो मिल गई ना? क्या मार लगी? मारने पर मार नहीं लगेगी तोतले। ओह प्रोसिक्यूटर साहब, आइए आइए, ये कार्यक्रम मालूम हो गया आपको, बहुत खुशी हुई। आपने मुकदमा जितवा कर ये जगह मुझे दिलवा दी। यहाँ की सारी पब्लिक के मनोरंजन के लिए ये केंद्र मैंने बनाया। क्या होता है इस केंद्र में? विनोद भी, विज्ञान भी, विकास भी, विश्राम भी। वी 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 वी। तुम बलों का मजाक उड़ाते हो, इसलिए डैडी मारते हैं। तुम चुप या टोटले को औलाद। तू भी चुप हो जा। दारू जुआ और जिस्म फरोशी के लिए तुमने इस केंद्र को खोला, घर को कब्जे में करने के लिए तुमने मुझ बेबस को भरे बाजार में बदनाम किया, अपने को सबका सेवक कहते हुए शर्म नहीं आती? सुनिए प्रोसिक्यूटर साहब, इसकी बेसिर पैर की बातों को मत सुनिए। हर गरीब अमीरों को अपना दुश्मन समझता है, रोने धोने से भाग्य नहीं बदलते हैं, और फिर आप तो हमारी गवर्नमेंट के वकील हैं। चलिए भीतर चलिए। किसका वकील हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप जैसा मजबूर लोगों से खेलने वाला लीडर मैं नहीं। भलाई इसी में ये जगह फौरन खाली कर दे। अरे छोड़िए भी ये मजाक, असल में मैंने आपसे दारू के गोदाम का रिबन कटवा के आपके फोटो सभी पेपरों में छपवाने का प्रोग्राम बनाया है, गलत से समझिए आप। रिबन नहीं काटूंगा, इसी वक्त ये जगह खाली कर दो तुम लोग, नहीं तो तुम सबके गले काट कर मैं फेंक दूंगा, तब सिर्फ लाशों के फोटो छपेंगे पेपरों में। कमाल है, मामला यहां तक पहुंच गया। अरे बब्बन, इसका दिमाग तो ठीक कर। क्यों बे, मौत से नहीं डरता? अरे बापरे, तुम सब मिलकर मुझे मारोगे? एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग मिलकर मुझे मारेंगे, मैं बच सकूंगा? नहीं बच पाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन तुमको एक बात मैं बड़ी पक्की बोल देता हूं, तुम लोगों में से पहले जिसका हाथ मुझ पर पड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, इसमें कोई शक नहीं। बोलो कौन आता है? जाओ भेड़ो। तुम जाओ भाई। तुम जाओ पापे। तुम जाओ बहादुर। चले मैं तेरे पीछे हूं, तू जा। माफ करो गुरु, चल भाग। Thank you.
कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर लाए हो वकील साहब। ठीक है, ऑर्डर तो कोर्ट को रद्द करना पड़ेगा। वो तकलीफ ना उठा, उचित फान मत करो। वो देखो एसआई गोरख आ रहे हैं। मैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हूँ, कानूनी दाव पेच के खेल में माहिर हूँ, न भिड़ो मुझसे, शोले भड़क उठेंगे। नमस्ते साहब, ये जमीन इन लोगों को वापस दे दो, इन्होंने अपील की है इस अमृत कला केंद्र के लाइसेंस को रद्द करने का। कोर्ट ने छोटा सा इंजंक्शन दिया है, ये रहा वो ऑर्डर। स्वीकार कीजिए। क्यों ले भैया? हाँ? कोर्ट में इंजेक्शन भी होते हैं, वो अस्पताल है। देखा रामेश्वर जी, आप जगह खाली करने की बात नहीं मानेंगे, इसलिए पूरे इंतजाम कर लिए। फैसला होने तक पुलिस रात और दिन यहाँ पर पहरा देगी। किसी अड़ंग के बिना जमीन हमें सौंप कर बोरिया बिस्तर समेत के भागने में ही तुम्हारी भलाई है। इसको मत समझाओ शिवराज जी, ये बोर्ड बोर्ड उखाड़ कर अपने अपने घर पर कब्जा कर लो। अच्छा चलो। वालों के जुल्म बोलते हैं, वहां सरकारी अब से बेबस गरीबों की तरफ से बोले भगवान है हम। हाय मम्मी। कंग्रेचुलेशंस विक्रम, सारा किस्सा सुन चुकी, कोर्ट में जो गलती कर बैठे कोर्ट के बाहर सुधार ली, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स मम्मी, लेकिन एक बात नहीं समझ पाया, कोर्ट में प्रोसिक्यूटर के रूप में गुमराह होकर बहस की, आपने उसके लिए मुझे बधाई दी, कोर्ट के बाहर अपनी आंखों से देखकर जो कुछ मैंने किया आप उसकी भी तारीफ कर रही हैं। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते फख्र करूं या पब्लिक सेवक के नाते अपने पे गर्व करूं? विक्रम बेटे, जो भी हो पर हो न्याय के रक्षक। कोर्ट में हुए फैसले से असंतुष्ट लोगों के वास्ते कानूनी व्यवस्था में अपील के लिए अनेक उच्च न्यायालय भी हैं। लेबर कॉलोनी में तुमने जो फैसला किया वो भी एक तरह से कोर्ट था, उस कोर्ट के न्यायाधीश तुम थे। किसी जगह कोई भी जहाँ न्याय करता है वही कोर्ट है, वही फैसला फैसला है। थैंक्स फॉर द एनलाइटनमेंट। भैया क्या बात है बेटी, फौरन आओ। चल। इस वक्त 9:30:15 हुए हैं। ये क्या, ये तो टाइम बता रही है। ये अमेरिकन टाइम नहीं है ब्रदर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये कॉल अमेरिका से नहीं आई थी। तुझे तो भैया भैया, ये कॉल जरूर अमेरिका से आई होगी, फौरन उठाना। चुप कर, ये फोन तुमने करवाया होगा, मैंने उठाता। नहीं भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, फोन उठाना, भाभी का होगा। हेलो, यस प्लीज गिव मी द कनेक्शन। हेलो हेलो प्यारी, बात सुन हमारी। बोलना बंद कर, तू बड़बड़ करती है। हाय श्यामली। हाय छोड़ आना कानी, बोलो मेरे प्यारे भैया की दिल की रानी। अरे बकवास बंद कर तू। सॉरी श्यामली, तुम्हें नहीं। हाय श्यामली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ भाभी भाभी, ऐसे शर्माओ मत तुम, ये पप्पी की आवाज भैया ने नहीं की, ये तो मैंने की। हाँ मैं ठीक हूँ। भैया का हाल? गमगीन का हाल ना पूछो, घूंगा बसंत की तरह मुझे घूर रहे हैं। रेखा तू परा, बेटे मेरी तरफ से श्यामली का हाल पूछ। ओके मम्मी। श्यामली, मम्मी पूछ रहे क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, माँ जी से कहना तुम्हें कुछ नहीं बोलना। मुझे बोलना तो बहुत कुछ है मुझे। वो क्या? मैंने आज एक कामयाबी हासिल की है, कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी। यहाँ तुम होती तो आज कुछ ना कुछ मांग लेता तुमसे। अच्छा क्या मांगते बताओ। कैसा लगा श्यामली? ये मैं था, पगली रेखा नहीं। ए, बोलो ना तुम, पसंद नहीं आया? अच्छा अगर पसंद नहीं आया तो लौटा दो उसे। ये लो लौटा दिया। मतवाली ओ दिलरुबा, सांसों में रहती है तू ही सदा, मुस्कानिए ना लुट ले तेरी अदा कर दीवाना रे, क्या खूबसूरत साथी है मेरा। दिल जानू मतवाली ओ दिलरुबा,
महबूबा मतवाली ओ दिलरुबा दिल जानू मतवाली ओ मीठी छुरी ओ स्वीटी नीलम परी बड़ा मीठा तू भी तो है तू मेरा महबूब है अब तो क्या ना मिला जानू मुझको तू जो मिला अरे दिल में कैसा तूफान है ये तो जवान दिलों का अरमा है होता है प्यार में ऐसा ही होता है महबूबा मतवाली ओ दिलरुबा दिल जानू मतवाली ओ दिलरुबा प्रभाकर जी वो लेबर कॉलोनी हमारे हाथ से जब से फिसली है ना जितनी दारू चढ़ाओ चढ़ती नहीं लाठी पकड़ने वालों से हम दबे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हम मार खाए तो राजनीति का मतलब क्या चीचे? ऐसे मन छोटा ना करो कॉलोनी में सिर्फ पुलिस का पहरा लगा हुआ है पुलिस हमारी अपनी है 2 लाख रुपए फेंको उस वकील का काम तमाम कर दूंगा खाली याद तो मैं कभी आता ही नहीं ये लो हाजिर है सर मैंने सिर्फ वकील के लिए कहा था आपने मेरे ऊपर तलवारें रख दी हमने रखी है अबे नालायक छोकरो भेजा फिर गया है क्या भेजा फिर गया है आपका अपना उस वकील को मारने के लिए इतना रुपया दे रहे हो हमको आधा भी देते तो हम ही मार लालटी तुम सुंदर भाषा का खून कर सकते हो मगर आदमी का नहीं चाकू और छुरी से बाप को धमकाने वाले ना मर्दो किसी का खून करना तो जवान मर्दों का काम होता है छोटे भैया क्या हम मदद नहीं है इस बात का फैसला ब्याह के बाद ही चलेगा तेरे बाप की तो कहना बेकार है तेरे बाप से कहूंगा डैडी ये आपको बाप कहता है अदालत में मुजरिम बस्ती में गरीबों की लीडर और अब मोटर मैकेनिक ये लड़की है या कोई पहेली वकील बनके सजा दिलवाई इंसानियत के नाते जुर्माना भरा गरीबों की मदद की ये इंसान है या फरिश्ता मेरे दिल में उतर गया है आपकी गाड़ी में हवा भरनी है नहीं नहीं पेट्रोल टैंक लीक कर रहा है जरा देख लो ऑल राइट रोनी जाम यम्मी यम्मी इस मजमे में जो भी बिना नहाए आया हो उसे सुन के पकड़ो तो जाओ अरे अरे पुलिस की बलबूते और प्रोसिक्यूटर के उकसाने पर हमारे बोर्ड उतार के फेंक दिए
फौरन ये झोपड़ियां खाली कर दो वरना तुम खाली करवाने आए हैं अपने बाप की जमीन समझिए संविधान का मन वचन और कर्म से पालन करूंगा। आजकल सरेआम एक आदमी को मार डाला तूने, तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंसाफ अभी मरा नहीं बदमाश, कानून के हाथों तुझे फांसी दिलवाऊंगा बदसाफ। हेलो नए वकील साहब, पुलिस के करने वाला काम प्रोसिक्यूटर ने कर डाला, घोड़े का काम भला गधा कर पाएगा? तुम घोड़े हो या गधे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो बताओगे नहीं मुझे? मेरा नाम प्रभाकर है, तुम जिसके खिलाफ मुकदमा लड़ने जा रहे हो वो मेरा आदमी है, शायद तुम मुझे नहीं जानते। ये तमाम सीढ़ियां मेरे हर कदम के मुताबिक हारमोनियम की तरह बजती हैं, मेरे इशारों पर नाचती हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। जानते हो अपने हक में कितने फैसले करवा चुका हूं? अब तक तुम कानून की आंखों में धूल झोंकते आए हो, अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तुम देख लेना। चुनौती ना दो मुझे, रास्ते की दीवार ना बनो। जोश में अगर तुम होश खो बैठे तो ऊपर की सीढ़ी से पहली तक जोरों से लुढ़का दूंगा। याद रखो मेरा नाम प्रभाकर है। करमचंद, गोपाल शर्मा, गजाधर सिंह, मोबिन अली पेश हो। आप सब लोग लेबर कॉलोनी में कब से रहते हैं? 25 साल से रहते हैं। 25 नवंबर की शाम के 5 बजे आपकी कॉलोनी में गणपत शिवराज का सामने कटघरे में मौजूद बेंजामिन के हाथों कत्ल होते आपने देखा? अरे बाप रे, कत्ल? कुत्ते के काटने से मरा था। शिवराज की मौत हो गई, कब मरा? शायद इस बेंजामिन को मैंने किसी फिल्म में देखा होगा साहब, लेकिन अपनी कॉलोनी में कभी नहीं देखा। That's all, Your Honor. You want to cross-examine? Yes, Your Honor. क्यों भाइयों, 25 साल से कॉलोनी में रहते हो, कत्ल के बारे में जानकर भी अनजान क्यों बनते हो? आप में से किसी को भी कभी ये मार डाले, पास पड़ोस के लोग झूठ बोले, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? निडर होके आपने जो कुछ भी देखा वो बताइए, किसी के दबाव या धमकी से आप लोग मत डरिए।
कोर्ट आपकी हिफाजत करेगी। कम ऑन, सच बोलिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए गवाहों को वरगला रहे हैं। सच बुलवाना वरगलाना नहीं होता। इस कत्ल की चश्मदीद गवाह मैं भी हूँ योर ऑनर। तुम्हें जो भी बोलना हो गवाहों के कटघरे में आकर बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? सावित्री। और पेशा? ऑटोमोबाइल मैकेनिक। ओहो, और भी कोई बिजनेस है तुम्हारा? ऑर्डर ऑर्डर। सावित्री, तुम इस कोर्ट में 2-3 महीने पहले भी पेश हुई थी, कौन से जुर्म में तुम्हें याद है? वो बात बोलते हुए तुमको शर्म आती है? ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। ब्रॉथल के केस में इसको इन्हीं प्रोसिक्यूटर साहब ने मुजरिम साबित करके मुकदमे को जीता था। क्यों, सच है ना सावित्री? कोर्ट में ये मुंह कभी नहीं चलेगा। मुंह खोलो और मेरी बात का अभी जवाब दो। सच है। सजा भोगी थी तुमने? जी नहीं। जुर्माना भरा था? हाँ भरा। तुमने भरा था या तुम्हारी तरफ से किसी और ने? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अन्याय हुआ था इसके साथ, इसकी बेगुनाही के सबूत मिल जाने पर ही मैंने इसकी मदद की थी। योर ऑनर, नोट दिस स्मॉल बट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जिसे कोर्ट ने मुजरिम ठहराया, उसी मुजरिम को इन प्रोसिक्यूटर साहब ने उसी वक्त बेगुनाह मानकर जुर्माना भी अदा कर दिया। कितने दयावान हैं। ये बताओ सावित्री, जुर्माना भर देने वाले प्रोसिक्यूटर साहब का कर्ज तुमने किस तरह चुकाया? रुपए देकर, कोई माल देकर, कैश या काइन? योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर की दलीलें मजबूत करने के वास्ते प्रोसिक्यूटर के बढ़ावा देने पर सावित्री एकदम झूठ बोल रही है, जिसकी झूठी गवाही पर कोई तवज्जो नहीं दी जाए। कोर्ट से मैं दरखास्त करता हूँ। डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग मिस्टर प्रोसिक्यूटर? यस योर ऑनर, जहां तक मैं समझता हूँ मुकदमे का फैसला सुनी सुनाई बातों पर नहीं होना चाहिए। वाह क्या कहने। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से इस केस को डिसमिस किया जाता है। विक्रम कहाँ है बेटी? आज कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद भैया बहुत उदास है, ठीक से बात भी नहीं करते। कहाँ है वो? अपने दफ्तर में। विक्रम उठ बेटा। क्षमा करो मां, अदालत में मात खाने का मुझे जरा भी गम नहीं। कोर्ट में इंसाफ होने के बदले बेइंसाफी होते हुए देख के भी चुप रहना पड़ा मुझको। मैं अपनी बेबसी पर मायूस हूं। कोई भी हारने वाला वकील बेबस नहीं होता विक्रम। जीत तुमको बढ़ावा देती है पर हार तुमको आगाह करती है। ऐसे मौके बड़े बड़े वकीलों के जीवन में आए जब उनको भी मात खानी पड़ी, वो भी तेरी तरह हौसला हार बैठते तो न्याय की देवी बेजुबान हो जाती। अब भी तो बेजुबान है इंसाफ की देवी। जुर्म कराने वाले ने कोर्ट के बाहर चुनौती देते हुए कहा था मुझसे, मम्मी कोर्ट की बेशुमार सीढ़ियां कदम कदम पर हारमोनियम की तरह उसकी मर्जी के मुताबिक मत उठती थी। इससे ज्यादा न्याय का अपमान क्या होगा? ये मैं जानती हूँ, लेकिन अपमान से निराश होकर इंसाफ कैसे दिलवा पाओगे? मुजरिम से जुर्म कबूल करवाने का मौका तुम्हें जरूर मिलेगा। वो मौका पाने की ताकत ना उम्मीद होने से नहीं मिलेगी तुम्हें। भैंस पे खाना लगा है, चलो। भैया कोर्ट में किसने तुम्हें धमकी दी? वो प्रभाकर था ना? हाँ रेखा। प्रभाकर कोई पुराना कैदी है, जेल से भागा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। जेल से भागा हुआ, ये तुम क्या कह रही हो? जहाँ तक मुझे याद है इसका फोटो हमारे पेपर में छप चुका है। हाँ तुम कल हमारे लाइब्रेरी मेरे साथ चलोगे? जरूर चलूंगा। उधर देखो।
देखो। कल मैं तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट से वेरीफाई करूंगा, उनकी गवाही हमारे लिए फायदेमंद होगी। अच्छा जाओ, तुम्हारे लौटने तक उसकी असलियत का पता लगाकर मैं पेपर्स में छपवा दूंगी। ध्यान रखना। जेल सुपरिंटेंडेंट से क्या काम बनेगा भला? प्रभाकर को फांसी पे चढ़ाने में मदद मिलेगी, मेरे लौटने के बाद सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, फिर वो जुल्म कभी ना ढा पाएगा। ये सच है क्या? थैंक यू। वन मिनट। अबे हार भी पहना दिया, इतने तो मेरा दिल तोल दिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाथ भी पकड़ लिया। हाय रे, पकड़ तो लिया ही। तभी तो करके औलाद कहते हैं कि हार उसे दीवाना बना देगा। मैं भंवरा कलियों का, सुनरी मेरी चंपा, सुंदर कश्मीर की बाला। ओहो मेरे दुम्बक दुम्बा, हम चलते हैं चंबा। अरे भैया, मेरे तो एक बात भी पल्ले नहीं पली। ये नए ढंग का प्रेम है, ये प्यार की बातें हैं, बस अब गाएंगे संगीत आनंद मिलिन का प्ले बैक मोहम्मद अजीज का। अब झूम के बाहर आई, लेके तेरा प्यार आई मैं ना। अब काहे को तू शर्माई, दिल में करार लाई मैं ना। मेरे पापी मेरे टॉफी गोलगप्पा ओ जलेबी, तुझे मैंने चलाए घबराए तड़पाए दिल क्यों। अब झूम के बाहर आई, लेके तेरा प्यार आई पो पट, अनमोल जवानी मांगे प्यार की निशानी दे पो पट। हाय बलमू मेरे जानू, क्या लेगा मेरे सोनू, तेरी बात निराली भरी जादू चलाए अखियों से। अब झुंड बाहर आई, लेके तेरा प्यार आई मैं ना। अनमोल जवानी मांगे प्यार की निशानी दे पो से चूम लूं तो। तू बोल मेरा क्या जाने, मैं पलकें खोल दूं तो। मेरी बाहों में जग सारा है, जोश वाली नशीली दिल तारा है। जैसे भी प्यारा यार मेरा है, मेरी दुनिया तो प्यार का सवेरा है। मेरे पॉपिंस मेरे टॉफी गोलगप्पा ओ जलेबी, तुझे नैन चलाए घबराए तड़पाए दिल क्यों। अब झूम के बाहर आई, लेके तेरा प्यार आई पो पट, अब काहे को तू शर्माई, दिल में करार लाई मैं ना। चलता है यवन ने ली अंगड़ाई, आँखों से तूने डाका डाला है, हाय प्यार तुम्हारा ये निराला है। ख्वाबों ने क्या रंग लाया है, खुदा ने खुदा से मिलाया है। हाय बलमू मेरे जानू, क्या लेगा मेरे सोनू, तेरी बात निराली भरी जादू चलाए अखियों से। अब झूम के बाहर आई, लेके तेरा प्यार आई मैं। मेरे
पापिंस मेरे टापी क्या लेगा मेरे सोनू तुझ मैंने चलाए घबराए तड़ पाए दिल क्यों अब झूम के बाहर आई लेके तेरा प्यार आई वो अब काहे को तू शर्माए दिल में करार लाए मैं मिस्टर रामेश्वर जी हमारे तमाम इलाकों की रिपोर्ट सुनाइए अच्छा प्रभाकर जी जी बड़े शहरों में दंगा फसाद करवाना है पांच आदमियों का मर्डर करवाना है और दौलतमंदों को अगवा करने के सेपरेट ऑर्डर्स आए हैं इन कामों के रेट्स उनको भिजवा दीजिए ठीक है गोल्डी दादा के बेटे का खून कराने के लिए एक फैशन परेड का इंतजाम किया है गोल्डी दादा ही इज अ गोल्ड माइन मैं खुद उससे डील करूंगा नेक्स्ट ये बीजापुर केस जीतने का चांस नहीं है जज पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने देता लपेट दो बढ़िया ख्याल है सर इस मीटिंग के एजेंडे में इतने आइटम हैं फाइन मेहमानों को ले जाकर ओवरनाइट हाउस में एंटरटेन कीजिए ओके सर बताइए हैव अ नाइस टाइम हेलो बेबी नमस्ते साहब नमस्ते कौन हो तुम यहाँ क्यों आई हो बात यह है आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं ना मुझको एक छोटी सी मदद चाहिए वही मांगने आई हूँ मांगो बेबी जिससे प्रेम किया मैंने वो मुझे छोड़कर मेरी एक फ्रेंड से ब्याह करने जा रहा है मेहरबानी करके रुकवा दीजिए वो ब्याह काम हो जाएगा लेकिन मेरा रेट जानती हो आप ही बताइए तुमने जो रिकॉर्ड किया है वो वीडियो कैसेट दे दो मुझको तुम यहाँ किस मकसद से आई हो किसके बलबूते पर यहाँ आने की जरूरत की तुमने मैं जानता हूँ तुम मुझसे मात खाने वाले वकील की बहन हो न्यायमूर्ति श्रीमती देवकी जी की इकलौती बेटी हो हाँ वो कैसेट मुझे दे दो कैसेट प्लीज That's nice, baby. Wow. Smart little girl. Benjamin, lapet do.
भैया, मैं छुपा करके राज जानने की कोशिश में उसके पिट्ठू उनके पंजे में फंस गई। छुपा करके सभी काले धंधों का वीडियो खींचकर जग्गू और बेंजामिन मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बुरी तरह घायल हूँ, इसलिए एक कैसेट रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें पोस्ट कर रही हूँ। भैया, मम्मी का ख्याल रखना, तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, बच गई तो पहुंच जाऊंगी विक्रम, वरना जर्नलिज्म में बहुतेरी का काम करने के लिए मुझे जो मेडल मिला उसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। ये सरासर दरिंदगी है। तुम्हारी बात सचमुच सही है तो ये जुर्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। सच बात को शक की नजर से देखना कानून का स्वभाव है, लेकिन मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। पहले उसे अरेस्ट कीजिए, मेरी बहन को छुड़ाइए। अगर वो गड़बड़ करे तो मैं कोर्ट में मसला निपटाने के लिए एसएलपी लेकर आऊंगा। पहले प्रभाकर को हिरासत में लीजिए। श्योर इंस्पेक्टर। नमस्ते साहब, डॉक्टर ने मुझको आराम करने को बोला है, एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर दें। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्यों बुलाया है जानता हूँ साहब, उस प्रभाकर को अरेस्ट करने को भेजेंगे मुझे। मैं हाथ में हथकड़ी पहनाने जाऊंगा तो वो मेरा हाथ काट डालेगा। शट अप बिहार के पुलिस ऑफिसर। यस सर। फौरन जाकर प्रभाकर को गिरफ्तार करो। रियली सर? यस यस सर। ओह, क्यों भाई गोरख, बेवक्त अटप के दारू और उपयोग है? लौटन, रात बोतल में थोड़ी सी रम बची थी उसको ले आओ। फिर कुछ खाओगे? भेलपूरी भी नहीं। इतने उदास क्यों हो? पुलिस लॉकअप से कोई कोनियों नहीं भाग गया? फिर किसी को जेल से भगवाना है? गुंडों ने तुम्हारे बच्चों को मारा। क्या भाभी जी को कुछ हुआ? वो कहीं बीमार तो नहीं? फिर क्यों आए यहाँ? झूठी बजाने के लिए। अमां हथकड़ी? क्यों भाई, किसके हाथ में पहनानी है? प्रभाकर जी के। गोरख, तेरी सर्विस कितनी है? 20 बरस की हो चुकी, माल तो बहुत मिला पर प्रमोशन आज तक नहीं हुआ। 20 साल? मैंने 20 बरसों में 1555 खून किए, लेकिन तुम जैसे कुत्तों ने मुझे फंसने नहीं दिया। तुम्हारी सर्विस कुछ नहीं मेरी सर्विस के आगे। तुम मुझको अरेस्ट करने आए हो? क्या करूं बताइए सर, उस पीपी विक्रम की बहन को आपने किडनैप किया है, बस वही केस बन गया हुजूर। जो भी हो, मैं बिना आपको अरेस्ट किए ऑफिस लौटा तो मुझको नौकरी से फौरन बर्खास्त करने की कमिश्नर साहब ने धमकी भी दी है। पीपी विक्रम का केस है। मैं समझ गया, मैं रेडी हूं। तो फिर आप खुद पहन दीजिए, मैं ले चलता हूं। छोटे भैया, अंकल तो भीगी बिल्ली की तरह गिलबताल हो गए। अरे तो अंकल को नहीं जानता, इसमें भी कोई मतलब होगा। मुंह बंद करो उल्लू के पट्ठो। दीदी, अब क्या होगा बोलो। छोटी भैया तू बता, पहला प्यार फिल्म दिखाएंगे। सो योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के दौरान पेश किए सबूत और गवाहों से ये प्रभाकर ही 15 बरस पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल से भास्कर नाम का भागा हुआ मुजरिम है, ये साबित हो चुका है। इसका नकाब उतार फेंकने में मेरी मदद करने वाली जर्नलिस्ट मेरी बहन रेखा को प्रभाकर ने ही बंदी बनाया था, ये भी कैसेट से साबित हो चुका है। इस बिना पर गुनहगार को सख्त सजा दी जाए और मेरी बहन की हिफाजत की जाए। कोर्ट से यही दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी डिफेंस? श्योर योर ऑनर, तिहाड़ जेल के ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन दे। ग्रांटेड। छोटे भैया, वो लोग लखनऊ से आए हैं? नहीं, मुरादाबाद से आए हैं। चुप, कुत्ते की औलाद। आप कुत्ते हैं?
तो आप तिहार जेल के डेप्टी जेलर हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। इस आदमी को आप पहचानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। 1974 में ये पुराना कैदी था, तिहार जेल में था, जेल से ये भाग गया। भाग गया? नाम क्या था? केवी भास्कर। अच्छा, आप जरा ठहरिए, और दो लोग भी अंदर आ रहे हैं, गौर से देखिए। घसीटामल जी, माइकल, देख लिया आपने चोर? अब बोलिए, इनमें भास्कर कौन है? क्या तीनों मिस्टर भास्कर हो सकते हैं? बोलिए। मुझे लगता है ये तीनों। छोड़िए, काफी है। योर ऑनर, जेल से भागने वाले के तीन हमशक्ल यहां मौजूद हैं। तीनों में भास्कर कौन है, या फिर तीनों ही भास्कर हैं? तो एक आदमी के तीन हमशक्ल एक वक्त पर मौजूद हो, यह सरासर मुमकिन है। सिर्फ यही नहीं योर ऑनर, इन सभी पर पुराना कैदी होने का इल्जाम लगाना या प्रभाकर ही भास्कर हैं यह दावे से बोलना भी गलत होगा। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। आप भी जाइए। और कैसेट में जो आवाज है वो इनकी बहन की है, उसे प्रभाकर जी ने बंदी बनाया हुआ है, यह आरोप है प्रोसिक्यूटर साहब का। आप अब एक लड़की को कोर्ट में पेश करने की परमिशन दीजिए। डैडी डैडी, वो कौन है? कौन नहीं, कौन कौन? अबे चुप, सुअर का बच्चा तू है। आपका नाम? रेखा। भाई का नाम बताओ? पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्रम। माँ का नाम? जस्टिस श्रीमती देवकी। ये आवाज रेखा की है ना प्रोसिक्यूटर साहब? आप इस मर्द को बहन मानकर अपने घर ले जाओ। भैया, ये तो आदमी है। नमस्ते देवी जी। हेलो, प्रोसिक्यूटर जी हैं? माफ करें योर ऑनर, ये मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट सतीश बाबू हैं, हर एक आवाज की ये नकल उतार सकते हैं। थैंक यू सतीश बाबू, जज साहब को थैंक्स कहिए। कोई भूल हुई हो तो माफ कीजिएगा। वैसे किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाए एक कैसेट के आधार पर झूठी कहानी बनाकर मेरे क्लाइंट का अपमान करना तो नाइंसाफी है, मैं समझता हूँ। और अब मैं असली सच्चाई को कोर्ट के सामने पेश करने जा रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, प्रोसिक्यूटर साहब, अब जरा अपने दिल को थाम कर बैठिए। ये मिमिक्री कैसेट नहीं योर ऑनर, जेन्युइन है। अगर इसे ये झूठा साबित कर दें तो मैं अपना पेशा छोड़ दूंगा। सुनिए भैया, मुझे माफ करना, अनवर नाम के लड़के से मुझे प्रेम हो गया है। मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सुनकर तुम मुझे मार डालोगे ये मैं जानती हूँ। इसलिए मैं अनवर के साथ ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। भैया, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बहन रेखा। ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल झूठ और बकवास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जोर जोर से चिल्लाकर सच को झूठ नहीं बना सकते प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी बहन प्रभाकर के कब्जे में नहीं है, वो तो अनवर के साथ कहीं मोह जोड़ा रही है। खुद देख लिया, आपके सामने हुए अन्याय को आपने खुद देखा। इन सरकारी वकील साहब ने अपने ओहदे को भूलकर भरी अदालत में जज साहिबा के सामने अपने साथी वकील पर खतरनाक हमला किया। इस कोर्ट को बैडमिंटन कोर्ट बनाने वाले को मुनासिब सजा दे पाएंगी या अपना बेटा होने के नाते इसे छोड़ देंगी? मैं इसका फैसला आप पर ही छोड़ता हूं योर ऑनर।
कमजोर सबूत न मिलने के कारण अदालत प्रभाकर को बाइज्जत बरी करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जिम्मेदार ओहदे पर होते हुए भी अपनी घिनौनी हरकत से कोर्ट का अपमान भी किया। मिस्टर विक्रम के बर्ताव पर कोर्ट को एतराज है। उन्हें बार काउंसिल से 6 हफ्ते के लिए डिबार करती है। Thank you for your honorable justice. My kudos to your impartial verdict. आपके फैसले को सलाम। लेकिन फाइल बंद करने और कोर्ट बर्खास्त होने से पहले मुझे एक बात कहने का मौका दिया जाएगा। Your honor, कानून की नजर में रिश्तों का कोई मोल नहीं। खुद की बेटी पर भी लोग आरोप लगाएं तो भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि गवाह मौजूद है। कानून को चाहिए सिर्फ गवाह। अपमानित भाई अगर भड़क उठा तो क्या हुआ? उसके खिलाफ सबूत तो मौजूद है। सबूत फैसले की बुनियाद है। इंसाफ अपनी हिफाजत ना होने पर अपने नसीब पर रो पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? कानून को चाहिए गवाह, इंसाफ को सबूत चाहिए सबूत। लेकिन योर ऑनर, गवाह का गवाह है कौन? मन के गवाह का गवाह है कौन? अपने दिल की सच्चाई की गवाही जब हम ही नहीं दे सकते तो फिर सच्चाई का गवाह है कौन? कोई नहीं योर ऑनर, कोई भी नहीं। भरी अदालत में इंसाफ और सच्चाई का खून होते देख खामोश न रहकर मैं विद्रोह कर बैठा तो गुनहगार हो गया। न्याय के मुंह पर तमाचा मारने वाला ये डिफेंस लॉयर शरीफ हो गया। यस योर ऑनर, आजकल जरूरत है ऐसे ही वकीलों की। हम इन्हीं की बात को इज्जत देते हैं। सच्चाई की समाधि पर, झूठ की बुनियाद पर, आसमान को छूने वाले फरेब और हर तरफ फैलती हुई अराजकता को रोकने के लिए लॉयर विक्रम जैसों की जरूरत नहीं है। योर ऑनर, आपने मुझे सिर्फ 6 हफ्तों के लिए डिबार किया है। मैं आपके कोर्ट को हमेशा के लिए अलविदा कहता हूं। भारत को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों को कोर्ट के सामने एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। इफ अ मैन ओनली रियलाइजेस इट इज अनमैनली टू ओबे लॉज दैट आर अनजस्ट, नो मैन टिरनी एनस्लेव्स हिम। इसी वजह से योर ऑनर, योर लॉ इज अ बॉटमलेस बे, आई ओबे। न्याय की शपथ दिलाने वाली न्याय देवी, ये लो मेरी अंतिम भेंट। क्यों बेटी, दीदी तो ठीक है ना? विक्रम एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आया? नहीं आया। लेकिन क्यों? किसी इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग है, फोन पे नहीं मिलता, चिट्ठियों का जवाब नहीं, इतना बिजी हो गया है। सारी बातें बताऊंगा, पहले दीदी का हाल बताओ। दीदी बिल्कुल ठीक है। उतरो बेटी। नो, किसी वक्त मुझे विक्रम से मिलना है। ये क्या बेटी, थोड़ी देर आराम करके जाओ, तुम्हें जल्दी क्या है? वो आप नहीं समझेंगे, मैं 15-20 मिनट में आ जाऊंगी। बाय डैडी। आंटी, आंटी, हाउ आर यू? आप बहुत दुबली लग रही हैं। मेरी फिक्र में दुबली हो गई। रेखा नजर नहीं आती, एयरपोर्ट पे भी नहीं आई। भाई बहन ने मुझसे न मिलने का फैसला किया है। विक्रम कहाँ है आंटी? विक्रम नहीं है बेटी। नहीं है, कहाँ गया वो? कुछ और ना पूछो, जब मुसीबत पहाड़ के रूप में सामने आ जाए तो नारी को पृथ्वी की तरह सहनशील बनना चाहिए। दिल मजबूत करो और विक्रम को भुला दो। हमारे लिए विक्रम नहीं है श्यामली। बिगड़े वकील साहब। हाँ, तेरे जैसे जालिम को मिटाने के लिए मैं बिगड़ गया। अब मैं पुराना विक्रम नहीं, तेरी मौत हूं। अपनी पोस्ट छोड़कर मेरे अखाड़े में मुझसे भिड़ने आया है? श्योर, अपने कुत्तों के जरिए मेरे पेशे को पछाड़ा तूने, अब तेरी दादागिरी को पछाड़ने विकी दादा बन के आया हूं।
दादागिरी के तूने रेट फिक्स किए है ना। औरत की आबू का रेट 1 लाख, मौत से मिलवाने का रेट 2 लाख रुपए, विरोधी को उड़ाने का 5 लाख, गवर्नमेंट को गिरवाने का 5 करोड़। तुमसे बड़ा दादा होने के नाते मुझे भी फिक्स करने हैं रेट। किसी का मान भंग किया तो तेरी बीवी की जान ले लूंगा, तूने किसी को मारा तो तेरे प्यारे बच्चों को तुझसे अलग कर दूंगा, दंगा फसाद करवाया तो मैं तेरे पैसे वालों को लूटूंगा, तेरा सर काट के अपने घर के दरवाजे पर लटका दूंगा मैं, जहां तू जुल्म करने जाएगा वहां तू मुझको जरूर पाएगा। बस यही बताने आया था, चलता हूं। रुक जा, मेरा तुम जैसे गुंडों से भिड़ने का मतलब होगा मच्छर पर एटम बॉम्ब छोड़ना। मच्छर को खत्म करने के लिए तेरा कुत्ता काफी है। उसके मुंह में क्या है मालूम है? कुत्ते का बिस्कुट मत खाना भैया, बिल्कुल लाल है, शिमला की मिर्ची होगी। कड़वी मिर्ची होगी? कड़वी तो होगी। तेरी तो कौन से पाप किए थे मैंने जो तुम मिर्चों का बाप बनना पड़ा। खामोश, वो बॉम्ब है। जो उसने फेंका तो पूरा अड्डा मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तक गिनने से पहले तुम लोगों ने बंदूक के नीचे नहीं फेंकी तो ज्वालामुखी फट पड़ेगा। 1, 2, 3, 4। That's good। झोपड़े जलाना तुम्हें अच्छा लगता है, झोपड़े जलाने वालों को जलाना मुझे अच्छा लगता है, ये ना भूलो तुम। अबे ओ नए पंछी विक्की दादा, हमारे अड्डे पे आके कुत्ते के मुंह में दबे बॉम्ब से हमारे बॉस को धमकाने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? ये सवाल करने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? इस पूरे इलाके को संभालने वाले दादा सिर्फ हम हैं। मैं भी तुम सब लोगों का कीमा बनाने के लिए दादा बना, पता है? कौन किसका कीमा बनाएगा बताता हूँ। देखो बेटी शामली, तुम इससे मिलना चाहती थी ना? गुंडों के हाथों मरने या उनको नेस्तो नाबूद करने के वास्ते महागुंडे का अवतार लेने वाले विक्रम को देखो, कानून जानते हुए कानून से दुश्मनी कर रहा है विक्की दादा बनके। तुम इसे अभी चाहती हो? कानून जब इंसाफ का दुश्मन बन गया तो मजबूरन मुझे उसका रक्षक बनना पड़ा। रुपयों और डंडे के जोर से गवाह लाने वालों को बेनकाब करने के लिए मैंने नकाब पहनी तो उसमें क्या बुराई? विक्रम, आई एम सॉरी, यहां विक्रम नाम का कोई आदमी नहीं।
तुम मैं खाऊ तो बोले जाने जा। मीठा ज्यादा न खाना तू तो बीमार हो जाएगा। जाने अदा ये दिल क्यों है मचला, थोड़ी पे चढ़ के तू आ जाना रे। जान तो जहान तो जमी आसमान तू गाते चलो गाते चलो, दिल से दिल मिलाते चलो। कटे कटे ना पच्चीस दिन बीतेगा कैसे पता। धीरे बोलो धीरे बोलो आई हवा, छोड़ो छोड़ो सुन ले सारा जहां। तुझ पे सदके दिल ये मेरा जाए मेरी, गाते चलो दिल से दिल मिलाते चलो। मस्ताने तू मस्ताने को चारों पहर ना छेड़ो। अल्लड़ जवानी बदन है शला है, दूर रखो मैं तो बारूद का गोला। सक में गर्म गर्म लाल हंट के गाते चलो दिल से दिल मिलाते चलो। मस्तानी तू मस्तानी को चारों पहर ना छेड़ो। मिस्टर गिरधारी लाल, 90 लाख रुपए के रेडीमेड सूती कपड़े सेठ ने एक अमेरिकन कंपनी को भेजे शिप में। सारा माल खराब है ये कहकर शिप को वापस भिजवा दिया कंपनी वालों ने। अगर घाटा होने से बचा लें तो 5 लाख हमें देने को तैयार है ये सेठ। कोई लीगल आइडिया हो तो दो। माल तो सेठ का है, शिप भी सेठ का है क्या? सिर्फ माल क्यों? वेरी गुड। तब तो अपना कोई आदमी हार्बर में छुपके बैठ जाए और शिप पर बम फेंक दे, फिर बीमा कंपनी पर क्लेम फाइल करा के सारी रकम वापस दिला देंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक आइडिया बेंजामिन। आप उसे आसान काम ना समझिए, वकील विक्रम के विक्की दादा बनते ही हमारे लोग दुम दबा के बैठ गए हैं और उसके नाम से भी कांप उठते हैं। डैम इट, हाथों में चूड़ियां पहन ली, अभी उसका दिमाग ठीक करता हूं। बेंजामिन हर बार जाके शिप को ब्लास्ट कर दो। सर मैंने रेखा को अगवा किया, विक्की जान गया तो तुम्हें मार डालेगा ना। तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं मार डालूंगा।
छोकरे ने मुझको धमकी दी। धमकी के मुताबिक बेंजामिन का खून कर दिया उसने। शिप ब्लास्ट करने के प्लान पर पानी फेर दिया। मैं विक्की को नहीं छोड़ूंगा। प्रभाकर जी, विक्की कानून से वाकिफ है। हमें लोहे को लोहे से काटना होगा। इसीलिए तो मैंने तुमसे आइडिया पूछा। उस रोज कोर्ट में गवाही देने वाली सावित्री की आबरू लुटवा दीजिए तो भड़क उठेगा विक्की। तब आप उसको बड़ी आसानी से अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। सावित्री, बोल जग्गो, वो कहां रहती है तू जानता है? जानता हूं दादा, ये भी जानता हूं कि उसके साथ मुझे क्या करना होगा। सावित्री को जबरदस्ती उठा के जग्गू कार में भाग गया। लाने के वास्ते मैंने बेबी और अंकल ने प्लान बनाया। रामायण में सीता खोलने वाला कौन था? रावण था। महाभारत में द्रौपदी की साली खींचने वाला कौन था? दुशासन। अब मेरा भाई भी वही काम कर रहा है, देखो तो। मात्रो सावित्री, किसी भी लड़की का ऐसा अपमान ना हो विक्रम, कहीं की नहीं रही मैं तो। अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं? इज्जत से जीने की चाह थी मुझको,
अब वो चाहत भी खत्म हो गई। अब जिंदा रह के क्या करूंगी? अब तो मुझको मरने से मना मत करना। इस जिस्म के शिकारी की आंखें सारा जीवन घूरती रहेंगी मुझको। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। ऐसा ना कहो सावित्री, तुम्हारी आबरू लूटने वाले की आंखें दुनिया को ही देखना छोड़ देगी। ए चकू! अंदर चलिए। सर? हाँ? सर, हमारे डिपार्टमेंट से काफी लोग बिटिया की बर्थडे पार्टी में आए हैं, उन्हें ड्रिंक दे या फूड, या ड्रिंक फूड दोनों। शट अप। नमस्ते सर। नमस्ते। यू सी, ये कोई शराब की पार्टी नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों को खाना खिलाकर भिजवा दो। मेहमानों को सिर्फ खाना सर? हाँ, मैं जैसा कहूँ वैसा करो सर। यस सर। ओ, तुम्हारा कुत्ता यहाँ? कुत्तों का आना मना है मिस्टर। अजी साहब, पार्टियों में शामिल होकर अपनी जेबों में प्लेट और चम्मच छुपाने वाले शरीफ आदमियों से कुत्ता कहीं बेहतर है। छोड़िए। हाय विक्रम। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ऐसे ही तुम्हारे ब्याह के मौके पर भी मुझे गेस्ट की तरह आना पड़ेगा। यही तुम्हारी दिली ख्वाहिश है? हाँ, मैं विक्रम रहूं या विकी दादा, पर हूँ तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा दोस्त। तुम इसे अंदर ले जाओ बेटी। कोई भी आदमी ऐसे मौके पर आया है, चोर हो या शरीफ, हमारा मेहमान है। थैंक यू सर। हाँ आओ आओ बर्थडे बेबी, कब तक इंतजार करोगी? चलो केक काटो। बर्थडे ड्रेस पहने बिना मूड नहीं आता। तुम भी आओ विक्रम। केक काटना, कैंडल फूंकना, जलते दीपक को बुझाना मुझे पसंद नहीं। तुम जाओ। नमस्ते सर। सर, बर्थडे पार्टी में सोचा था पानी की जगह दारू पीऊंगा, पर शराब का नामो निशान ही नहीं है कहीं भी। लिम्का गोल्ड स्पॉट पिला रहे हैं लोगों को, जरा आप ही चक्कर चलाइए ना। जितनी चाहो पियो, ये लो 100 रुपए। मेहमानों का ख्याल रखना। क्या रिया? अच्छा सर। हेलो सर। नमस्ते सर। सर टाइम क्या हुआ? अंग्रेजी खबरें आ रही है ना, 9:30 बज गए। खाना खा के जाना। थैंक यू सर। भैया, हमारे डैडी ने राजनीति तो सिखाई, पर गुंडाइज्म थोड़ा सा भी नहीं। तुम सिखा दो तो लड़कियों पे रोब जमाऊंगा। तुमने गुंडाइज्म? अले मर जाओगे पागल कहीं के। भैया, मैं कलेक्टर आदमी हूँ, बेले को सिखाओ। पहले ठीक से बोलना तो सीख तोतले भैया। ठीक से बोलना आता नहीं, ऊपर से दारू चढ़ा दी। मेरी बात अगर तुम ठीक से बोल दोगे तो पूरी बोतल दूंगा। जरूर बोलूंगा। क्या बोलू? धर्मराज, धर्मलाज। धर्मलाज नहीं रे, धर्मराज। वही तो, मैंने कहा धर्मलाज, धर्मलाज नहीं। ये देखो फिर, धर्मलाज बोला, धर्मराज। मैंने कब कहा धर्मलाज? तुम्हें कहने हो, मैंने तो धर्मलाज ही बोला, धर्मलाज। धर्मलाज नहीं रे, धर्मराज। धर्मलाज, धर्मराज, 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 धर्मलाज। धर्मलाज नहीं रे, धर्मराज। अब यमराज बन के आया, देख तो सही। ये सोच के कि मैं मार डालूंगा तुझको, रामेश्वर की कोठी में चोर की तरह छुप गया। सावित्री की दर्दनाक चीखें तुझे याद तो होंगी, उनको भूल भी नहीं पाएगा। अब तू भी उसी तरह चीखें मारेगा और तेरा भाई सुनेगा। और भैया तुम देखो तो सही, ऐसे में कई मेडल अपनी मेहनत से कमाकर तुम्हें प्रेजेंट करूंगी। Nothing to read or write. Nothing to read or write, but we are supposed to listen. पागल कुत्ते की तरह शूट कर दूंगा। टीवी पर अंग्रेजी खबरों के आते समय मैंने उसे तुम्हारे सामने मारा।
बेशक ये बात तुम जाकर कोर्ट में बोल देना, उसकी लाश को किसी जगह फेंकवा देना, वो लाश प्रभाकर को ढूंढने को बोलना। अरे बाबले, जग्गू के कितने रंगीन फोटो खींच लिए हैं, ये सब पेपरों में छपेंगे। तुम भी ऐसे ही ढेर हो जाओ तो तुम्हारे फोटो भी पेपर में छप पाऊंगा। मेले फोटो नहीं, लेकिन दादी के फोटो इसी तरह खींच के दीपान पे लटका के पूजना चाहता हूँ, भगवान सुनता ही नहीं। तुम खरामी पिल्लो, अपने बाप को मार डालना चाहते हो? सर, हर एंगल से फोटो ले लिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इस ढंग से कत्ल करके इंडियन पिनल कोड भी लिख गया खूनी, तो वो पूरी तरह कानून से वाकिफ होगा। मैंने फोन पे बताया था ना कि वही लाश है मैडम। आप फौरन जाकर केस बुक कीजिए। यस मैडम। जग्गू नामक नौजवान के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है तुम पर, सफाई में कुछ कहना है तुम्हें? कब कत्ल किया वो तो मुझको याद नहीं जज साहिबा, डेट और टाइम बताइए तो शायद बता सकूं। दिसंबर 7 की रात को 10:30 पर रामेश्वर के घर पर कत्ल हुआ। रामेश्वर यानी सामने जो खड़े? हाँ। आपका घर कहाँ है? गौतम कॉलोनी में। अनजान मत पलो, तुमको कत्ल करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे बेटों ने देखा है। मुझे याद है उस वक्त टीवी पर अंग्रेजी खबरें आ रही थी। अंग्रेजी खबरें? हाँ, डिंटर डिंटर वाला युद्ध खत्म हो चुका था। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है मौत 10:30 हुई और अंग्रेजी खबरें 9:30 पर आती है। फिर इस हत्या से मेरा क्या संबंध? कुछ समझ में नहीं आता। संबंध है, गुमराह कर रहा है यह ऑनर। मुझसे तो ये बोला था अंग्रेजी खबरों के दौरान कत्ल किया मैंने, ये कोर्ट में बोलना हो तो बोल देना, कत्ल इसी ने किया है। चिल्लाइए मत रामेश्वर जी, कानून की आंखें बंद हैं, कान तो बहरे नहीं। योर ऑनर, दरअसल अंग्रेजी खबरों के वक्त मैं कमिश्नर साहब की बेटी की बर्थडे पार्टी में मौजूद था। ये झूठ है, बेरहमी से मेरे भाई को 3 आदमियों के सामने मारकर बचने की कोशिश कर रहा है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बस्ती के लोगों के सामने गणपत शिवराज को मारने वाले को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। रामेश्वर जी, अंग्रेजी खबरों का आपने जिक्र किया, कोई इम्पोर्टेंट खबर बता सकते हैं? मेरे पुत्र बताएंगे। डैडी, अक्कल मारी गई है, जानते हो ना मुझे अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी नहीं आती मेरे को तो। ऊपर से तोतला। तुम कहते हो मैंने मुंह पर बाला बचे है? मेरे बेटे बिल्कुल बेवकूफ हैं, इनको पढ़ाना चाहा तो ये भूख हड़ताल कर बैठे। आप मेरी बात मानिए, इसी ने मारा है, दूसरा और कोई गवाह नहीं है तो क्या हुआ? चाहे जितना चिल्लाओ सर पीटो कोई फायदा नहीं होगा रामेश्वर जी, मैं उस वक्त इनके बंगले पर मौजूद था या नहीं कमिश्नर साहब से पूछ लीजिए। यस योर ऑनर, उस समय ये मेरे बंगले में मौजूद था। विकी मुजरिम नहीं ये साबित हो चुका है, कोई ठोस गवाह ना होने के कारण केस डिसमिस किया जाता है। क्या हुआ पगली सावित्री? कर्तव्य का पालन और मजदूरों की मदद करने वाला मैं तुम जैसा इंसान हूं, बस जिसने मुझे दादा बनाया वो देखो, उस बदमाश से मैं हिसाब चुकता करने जा रहा हूं, चलता हूं। हेलो प्रभाकर, अफसोस तुम्हारा भाई मर गया। कैसे मरा? कोर्ट से मरा? फालिज से मरा? आत्महत्या कर ली क्या, या फिर दौलत के लिए तुमने उसे मार डाला? जो कुछ कोर्ट से मिला मालूम है ना? ओम स्वाहा। उस दिन क्या बोला था, इस कोर्ट की तमाम सीढ़ियां तेरे हर कदम पर हारमोनियम की तरह बजोड़ती है, अब बजा खूब जोर से। वो दिन दूर नहीं जब तुझे जलाकर राख कर देगा आग सा पवित्र इंसाफ। एक बार तूने मुझे कोर्ट की सीढ़ियों पर धमकी दी थी ना कि मुझको लुढ़का देगा ऊपर की सीढ़ी से पहली सीढ़ी तक,
आज जो मैंने किया वो देख लिया, तेरे भाई को मारकर तेरे कदमों से बजने वाली सीढ़ियों पर फेंक दिया। हाँ, मैं नहीं, क्या कर लेगा, मेरा गवाह नहीं है ना। ओम स्वाहा। कस्सा खत्म नहीं हुआ, सबसे बड़ा काम बाकी है। कस्सा तब खत्म होगा जब तुझको सीढ़ियों पर लुढ़काकर मार डालूंगा। कोर्ट को अपनी माचिस की डिबिया समझ बैठा, तुझको मैं तेरी ही माचिस की तीली से जला दूंगा, देख लेना। मम्मी की याद है विकी दादा को? हमारी रेखा को किडनैप कर लिया, उसी को वापस लाने के लिए मुझे विकी दादा का रूप धरना पड़ा। कोई माँ को भूल सकता है क्या? तुम ना भूले होते तो इंसाफ के मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जग्गू को मारकर उसकी लाश ना फेंकवाते, अपनी ही माँ से गलत फैसला ना सुनवाते। क्षमा करना मम्मी, बचपन से मैं जानता हूँ तुम झूठ बोलने पर मारोगी। अब मैं कोर्ट के बाहर तुम्हारी कसम खाकर सिर्फ सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। विक्रम, जग्गू अपराधी था मम्मी, उसे सजा देना जुल्म है। सजा देने वाले तुम कौन हो? इंसाफ पसंद। वो जगह जहां पर किसी को इंसाफ मिले वही जगह कोर्ट है, वहां जो भी फैसला दिया जाए वही फैसला है। ये सबक आपने ही मुझे दिया था मम्मी। तो कानून को अपने हाथों में ले लोगे तुम? पैरों तले रोंदने के बजाय हाथों में कानून को लेकर सहारा देना बेहतर है ना मां। न्याय के शत्रुओं को हरा कर उनको खत्म करके जब तक रेखा को छुड़ा ना लूं तब तक मुझे कोई नहीं बता सकता। अपनी लापता बहन की खातिर अपनी मां की आंखों में आंसू भर दोगे विक्रम? मुझे एक ना एक रोज अपने बेटे को सजाए मौत का हुक्म देने का मौका मत दो। पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को, जुर्म का इकबाल कर लो। तुम्हारी मां हूं, आज्ञा नहीं दे रही, मैं मिन्नत कर रही हूँ। अपनी जिंदगी तुम इन खंडरों की तरह बेआबान मत बना बेटे। ये दादागिरी अब छोड़ दे, छोड़ दे। मालकिन, मालकिन, हमारे को आशीर्वाद दो। क्यों रे टिटू, क्या बात है, अचानक क्या हुआ? हमें दोनों एक दूसरे को प्यार करती मालकिन। बापू मेरी शादी एक फिल्मी हीरो से करना चाहता था, इसके वास्ते हमें यानी टिंगू और मैं एक दूसरे को माला पहना लिए। अरे डरती काहे को मेरे प्रीतम, डरो मत। प्रेम की पीड़ा क्या मालकिन जानती नहीं? मालकिन की दिल में विकी दादा के प्यार की घंटी बजती रहती है। बाप रे बाप, मुझे याद आ गया, अंदर काम की घंटियां बजने लगी। अरे चलो जी चलो। टिक टिक चली घी की घड़ी, क्या मस्त है अदा की लड़ी। दुनिया छुपेगी सनम, नजरें छुपाना न तुम। दिल ये मेरा है तेरा पता, दिल का राजा मैं हूँ तू है रात रानी महक में। टिक चली दिल की घड़ी, तुझसे मेरी अखियां लड़ी। आए की सावन सितम, जागी तमन्ना सनम। रोग प्यार का मुझको लगा, गाल हुए लाल चाल हो गई है बहकी बहकी। Thank you.
चुप हूँ मैं के प्यार तेरा पाया हसीना नगीना सुनना हाल मत पूछो आगे अब जो हो जीना है संग तेरे संग मरना महक उठी तू सांसों में दिल चुराए तू बातों में पर महक उठी तू सांसों में दिल चुराए तू बातों में पी लूंगा नजर से गुलाबी बेदर्दी जाने शराबी हीरे मोतिया मुस्कान है एक नजर तुम्हारी ले गई है मेरी जिंदगानी टिक टिक चली दिल की घड़ी इससे मेरी अखियां लड़ी बहारों की मलिका नजारों में तू है मेरी जान नाजुक हूँ मैं आहिस्ते पर खिल जाएगी तू लिपट के नाजुक हूँ मैं आहिस्ते पर खिल जाएगी तू लिपट के दिल भर जाने में तेरा निशाना छोड़ यारा एक ऐसा बहाना दिल है बेजुबान प्यार में जलूं तेरे मेरे ही किसी फिजाओं में खुली जवानी टिक टिक चली दिल की घड़ी इससे मेरी अखियां लड़ी दुनिया झुकेगी सनम जागी तमन्ना सनम दिल ये मेरा है तेरा पता काल हुए लाल काल हो गई है देख देख क्यों विक्की दादा कैसे हो पुलिस का दादा मेरा हाल पूछे ताज्जुब है नहीं भाई अपराधियों के दम पर ही हमारी नौकरी कायम है फिर आजकल तो काफी काम होगा वो तो है अब भी काम पर ही आया हूँ जानता हूँ यूं ही नहीं आते पुलिस वाले क्यों आए हैं बताइए तुम बहुत अकलमंद हो विक्की तुम कत्ल के वक्त मेरे घर में थे कोर्ट में मुझसे गवाही दिलवाकर कत्ल के केस से बरी हो गए तुम लेकिन मुझे शुबा हुआ रामेश्वर के घर की तलाशी ली तो वहां से ये कैसेट मिला विक्की हिंदी का या पंजाबी का नहीं अंग्रेजी का तुमने जिस दिन हत्या की उस दिन टीवी पर आने वाली खबरों का कैसेट ओहो दूरदर्शन के मास्टर रिकॉर्ड की कॉपी लाए होंगे आप मुझे फंसाने के लिए रिश्वत देके प्रभाकर ने आपको इस वक्त यहाँ पर भेजा है कमिश्नर साहब मिस्टर विक्की यस सर ये मेरा आरोप है ये सच नहीं तो कोर्ट में साबित करके दिखाइए सुनिए सर जो फैसला हो गया उसे पलटवाने की कोशिश न करें तो बेहतर होगा कमिश्नर साहब आपका डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है मैं वीडियो कैसेट बनाकर कोर्ट में पेश करूंगा देखेंगे हेलो कमिश्नर साहब वाह विक्की दादा तुम यमदूत को भी मात दे सकते हो दादाओं को इंस्पेक्टरों सुपरिंटेंडेंटों को पिलाते देखा है लेकिन कमिश्नर साहब को बोतल में उतार के बंद कर लिया मैं मान गया तुम ब्रदर्स तुम ही जगन्नाथ रहो हो ये क्या शर्मा रहे हो पियो और पीने दो सब लोग भाई भाई यही मेरी पॉलिसी है शटअप का है यहाँ की कट थम्स अप तो है लेकिन शटअप नहीं है ऐसे शक योर ट्रैप एक गुंडे के पैसों की शराब खुद पी तो ली मुझको भी पीने को बुलाता है यू ब्लैक शीप
तुझे सस्पेंड करता हूँ। विक्की बाबा, ये क्या हो गया? जितनी चढ़ाई एकदम उतर गई। अब तुम ही कुछ करो, क्या करोगे तुम जानो। कोई परवाह नहीं, मैं प्रमोशन दूंगा। अंकल को देख के मालूम पलता है भूकंप आएगा। भूकंप ना बोल बौड़म के पुत्र, जग्गू बेमौत मरा ना, उसने अंकल को पकड़ लिया भूतप्रेत बन के। अरे गैदी ने अंकल को जब से पकड़ा तब से अंकल को दलिदल ने पकड़ लिया। अरे हो प्रभाकर ने ये बातें सुन ली तो पागल कुत्ते की तरह हम सबको पिस्तौल से उड़ा देगा। भेजे में भूसा भर के पैदा होने वाले बंदरों, मुंडन करो। तुम लोग उदास क्यों हो? फिर किसी की मौत हो गई? मौत किसी की भी नहीं हुई। जग्गू के केस में कोर्ट ने विक्की को बरी कर दिया। बड़े भरे बैठे हैं प्रभाकर साहब। मेरे भाई को मार के सजा होने से अपने को बचा लिया। हमारे पास सब कुछ होते हुए हमें उसने बेबस बना दिया, ये मुझसे साफ नहीं जाता। हमें कुछ करना चाहिए, करना ही चाहिए। करेंगे हम, लेकिन बौखलाने से काम होगा? ज्वालामुखी की तरह वक्त आने पर फूट पड़िए। नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है, इसलिए दाना ही से उसे मारना होगा। कौन ये काम करने के काबिल है? कौन? हम दोनों नहीं, हमारे डैडी हैं। डैडी तो गायब हो गए। हाँ हो गए। इधर आओ। ओ डैडी तो ऊपर बुला गए हैं। इस वक्त तो मुझे सिर्फ तुम ही उबार सकते हो। विक्की और उसके साथियों की बोटी बोटी उड़ा दो। लाख दो लाख रुपए नहीं, 2 करोड़ रुपए मांगो तो भी दूंगा। तैयार हो? ओके, लेकिन मैं वकील हूं, खूब देखभाल कर ही कोई कदम उठाऊंगा। दीपावली बीत जाने दीजिए, लेबर कॉलोनी में दोबारा आतिशबाजी होगी, तब तक ठहरिए। श्यामली, न साया सच होता है और न सपना। तुम्हारा विक्रम के लिए आस बांधना बेकार है। देखो इनमें से जो लड़का पसंद आए बोल दो, फौरन मुहूर्त निकलवाऊंगा। डैडी, विक्रम को छोड़कर किसी और से ब्याह करूं? सॉरी डैडी, आपने प्यार से सदा मुझे गुड़िया कह के पुकारा, इसलिए आप मेरा ब्याह गुड़िया की तरह तो न रचाइए। मैं इंसान हूं, मेरे सीने में दिल है। इस बात का फैसला मैं विक्रम से मिलकर कर लूंगी। हैप्पी दिवाली विक्रम। तुम त्योहार के दिन तो जरा मुस्कुरा दो, क्यों मुंह फुलाए खड़े हो? पहाड़ टूट पड़ा क्या? तुम्हारे लिए बढ़िया कपड़ों का जोड़ा लाई हूँ, पहनोगे तो एकदम टॉप के हीरो लगोगे। लो पहनो। नहीं सावित्री, मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है। तो कौन कौन से शौक है तुम्हें? लड़कियों से प्यार की मीठी मीठी बातें करने का, सज धज के पोज मारने का, या कभी कभी जरा इमेजिनेशन में स्टेप सॉन्ग मस्त होके गाने का? जरा बताओ तो सही। सब लड़कियों से बात करने का नहीं, सिर्फ एक लड़की से बात करने का शौक है मुझे। कौन है वो लड़की? मैं हूँ ना। हाँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी सावित्री, नहीं देखी। विक्रम, कैसे मूड बदल गया तुम्हारा? प्यार उमड़ आया, प्यारा त्योहार है ना। कैसी है मेरी साड़ी? बिल्कुल नीले आकाश जैसी। और मेरी बिंदी? आकाश पे चमकते तारे। और मेरी सुल्फे? एकदम मदहोश करने वाली, जी चाहता है जुल्फों में अपना सर छुपा लूं। कुछ खूबसूरत बेवकूफ लड़कियों को अपनी जुल्फें ठीक से सवारना भी नहीं आता। ऐसी छोकरियों को देख के आंख सी लग जाती है मेरे दिल में। मेरी मांग देखो, मेरी मांग कैसी बोलो? सीधी बिल्कुल हाईवे रोड हो जैसे। हाय, पर मांग सीधी होने से शोहर मन चाह मिलता है, जानते हो? अच्छा, पर मांग टेढ़ी हो तो मर्द की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। क्यों, क्या तुम्हारी भी हो गई है? जरूर। इतनी खूबसूरत हो, इतनी नजदीक हो, चाहे कैसा भी सीधा मर्द हो, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है।
तेरा है अजंता तंजले दिल है तरसता तेरे बिन चैन नहीं आ रहा मोहब्बत ने तेरी मारा लाल लाल गाल है मीठे काजू आंखों के झरों के दिल में समा तू लाल लाल गाल है मीठे काजू आंखों के झरों के दिल में समा तू दीदार हुआ किस्मत है मेरी जाने वफा तेरी मैं दीवानी क्या तू भी है दीवाना दीवाना जानू है प्यार तू ही मेरा ब्यूटी ब्यूटी जाने अदा ओ स्वीटी स्वीटी आजा राजा का छेड़ बसाना चोरी चोरी आंख मिलाना दिल में तू आके न जाना कहीं दिल की लगी ना मार डाले शम्मा पे जलेंगे हम दिल वाले कहीं दिल की लगी ना मार डाले शम्मा पे जलेंगे हम दिल वाले प्यार में हंसी गुनाह करो दुनिया से डरो नहीं जुबां पे बात आई क्या मस्ती दिल में छाई अंबर की सुराही मौसम का जाम घोलो ब्यूटी ब्यूटी जाने अदा स्वीटी स्वीटी आजा राजा तुम हो या लॉलीपॉप है रंग दे तन ये मेरा मैं तेरी हूँ तू है मेरा प्यासी आंख वाली लहराती चाल वाली हेलो मैडम आप
आपको क्या चाहिए? जो चाहूं कर सकोगी? ओह यस, आप जो बिगाड़ कर लाई हैं, मैं उसको अभी ठीक कर दूंगी। अच्छा, मुझसे छीन के जिस आदमी को बिगाड़ा उसे भी ठीक कर दोगे? आदमी कौन है वो? विक्रम। विकी दादा? दादा बनाने वाले तुम हो, विक्रम को मुझसे दूर करने वाले भी तुम ही हो। विक्रम ने मुझसे प्रेम किया है। अच्छा, उसका गवाह? ये अंगूठी। भारत में शकुंतला के जमाने से नारी के विश्वास की निशानी है अंगूठी, लेकिन विक्रम ने इसे भी छुटला दिया। अब पता चला वो तुम्हारी वजह से बदल गया, इसलिए ये अंगूठी जहां होनी चाहिए वहां पहुंचाने आई हूं। कहां पहुंचानी है क्या ये भी विक्रम ने बताया? क्या जरूरत है, दीपावली के दिन तुम दोनों प्रेमियों को देख चुकी हूँ, प्रेम की बातें सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों के रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी। ये लो अंगूठी, तुमने इंसाफ के रखवाले को मेरे साथ ना इंसाफी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन विक्रम के लिए मैं बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, गुड बाय। देर से ही सही, लेकिन फैसला किया अकलमंदी से। इट्स अ वेलकम चेंज। बेटर लेट देन नेवर, फॉर यू एंड फॉर मी। सावित्री, वो अंगूठी दो मुझे। वो लड़की? हाँ सावित्री, मैंने जान से भी ज्यादा प्रेम किया श्यामली से, बड़े प्यार से उसे यह अंगूठी दी। तुम एक बात जानती हो, किसी भी घड़ी में फांसी के फंदे पर लटक सकता हूं। श्यामली को मुझसे प्रेम नहीं, नफरत हो जाए, यही सोच के मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। मुझे माफ कर दो। जिस नाटक को मैंने प्यार समझा, पर्दा गिराकर तुमने उसे खत्म कर दिया। ओके, थैंक्स। तुम हो, यहाँ क्यों आई हो? आज तुम्हारी सगाई हो रही है ना, बधाई देने आई हूँ। कितना अच्छा सिंगार किया है तुमने, और जो थोड़ी सी कमी है कहो तो पूरी कर दूँ। कमी का मतलब? विक्रम की दी हुई अंगूठी, पहन लो, कमी पूरी हो जाएगी। लो पहनो। सावित्री, ये क्या कर रही हो? मुझसे प्रेम तो सिर्फ तुम्हारे लिए खेला गया ड्रामा था। ड्रामा? हाँ श्यामली, त्याग करना तुम ही नहीं जानती, विक्रम भी जानता है, मगर सावित्री तुम? मैं भी जानती हूँ। फांसी पर चढ़ा रहा हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी शुभा की बिना पर मुझे छोड़ दो विक्रम। तुझे छोड़ना धर्म नहीं होगा, तेरे गुनाहों पर कोई शुभा नहीं है मुझको।
सजा के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन वकील होने के नाते तुम फांसी से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं जानना चाहोगे? चल बोल अपनी आखिरी ख्वाहिश। मुझे इस तरह बेबस करके मार रहे हो, हिम्मत है तो धर्म युद्ध करो मुझसे। धर्म युद्ध तुझसे? चल हट, शर्म कर तू। लेकिन मरने से पहले तूने धर्म की मांग की है तो तेरी तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी। और एक मौका देता हूं तुझको। ये रिवॉल्वर जानता ही होगा, इसमें 6 बुलेट भर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक भर रहा हूं। खुशनसीब होगा तो 5 बार बचने का मौका है, लेकिन घोड़ा 5 बार दबाना होगा। बुलेट किस खाने में होगी हम दोनों नहीं जानते, लेकिन बारी बारी से रिवॉल्वर अपने ऊपर चलाएंगे हम। धर्म जिसके पक्ष में होगा वो बच जाएगा, अधर्म जिसके पक्ष में होगा वो मर जाएगा। ओके ओके, लेकिन तुम पहले चलाओ। धर्मयुद्ध की मांग की थी तुमने, अधर्म पर उतर आया तू। तेरी फितरत जान के ही मैंने गोली रिवॉल्वर में नहीं अपनी जेब में डाली थी। नहीं विक्रम, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं अपने जुर्म कबूल करता हूं, सजा थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दो। धर्मयुद्ध में धर्म ना निभाने का प्रायश्चित करके तुम्हारे लिए भला काम करके मरूंगा। रेखा किसी के प्यार में नहीं भागी थी, प्रभाकर के पास कैद है वो, शहर के बाहर बने वीरान गेस्ट हाउस में अपनी मौत से वो लड़ रही है। देखो तो सही, ऐसे में कई मेडल अपनी मेहनत से कमाकर तुम्हें प्रेजेंट करूं। बाबा, इस फोटो को तुम पहचानते हो? मैं जिंदा लोगों को फोटो नहीं पहचानता, हाँ मरा को फोटो देख के तुरंत बता दे। ये बच्ची तो मर गई। कब कौन इसे यहां पर लाया मुझे बताओ। अरे बाबू मैंने छोड़ दो, मैंने याद नहीं, सचमुच मैंने याद नहीं। आजकल अभी तुमने कहा था ये लड़की मर चुकी है, बोल। नहीं, नहीं, नहीं। बोल सच क्या है? इस बच्चे ने मार के कार में लेके आया था, क्रियाक्रम के लिए रुपया दिया मैंने, इस बारे में किसी ने खबर न लगा ये धमकी देकर गया मैंने। इतना खुलासा पूछ रहे हो, पर वो आपकी कौन थी बाबूजी?
मेरी बहन थी। तभी लगा था मुझको मरने वाली भले खानदान की बेटी होगी। मैं चांडाल जरूर हूँ पर चांडाल नहीं हूँ बाबूजी। इस बच्ची की राख इस शमशान में धूल बन के बिखरती न फिरे ये सोच कर मैंने उसकी राख चुन के मटकी में संभाल कराया क्यों है। अभी लेके आता हूँ। ये लो बाबूजी। रेखा का तुम्हें इंतजार है ना? रेखा को ना ला सका तो इस घर में कदम भी ना रखूंगा ये मैंने कसम खाई थी। अपनी कसम के मुताबिक रेखा को ले आया हूं मां। सच्ची? कहां है विक्रम? रेखा कहां है? ये रही। ये सब क्या है विक्रम? बताता हूं। बेटी को मां से, बहन को भाई से जुदा किया दुश्मनों ने। मेरे दुश्मनों का पता लगाने गई थी रेखा, प्राणों की बलि देके छोड़ गई ये मुट्ठी भर राख। सच जानने के लिए एक लड़की इतना बड़ा कदम उठाएगी मैंने सोचा भी ना था। ऐसी बुरी घड़ी भी आएगी ये भी ना सोचा था। मेरी छोटी बहन ने तो मेरे छोटे भाई की तरह मुझको बचाने के वास्ते इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। हम दोनों को छोड़कर दूर जा बैठी मां। उस प्रभाकर ने ही मारा है इसमें कोई शक नहीं। रेखा की इस मुट्ठी भर राख का विसर्जन करने से पहले उस राक्षस के प्राण मिट्टी में मिलाने होंगे मुझे। जिसने दादा बनाया मुझको उसके वजूद को भी मैं बदल दूंगा मुट्ठी भर राख में। ये मैं कसम खाता हूं। भास्कर, इतने दिन कलम से लिखकर मैंने सजाएं सुनाई, अब मैं खुद गोली चलाकर सजा पर अमल करने आई हूँ। मेरे बेटे को मुल्जिम बनाया तूने। तूने बहुत से केसों में झूठी गवाही दिलवाकर गलत फैसले करवाए मुझसे। तेरे सारे गुनाहों की सजा देने मैं आई हूँ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे छोकरो, राजनीति को गुंडा ऐसी समझकर मैंने प्रभाकर का चमचा बन के बहुत बड़ी भूल की। विक्की दादा का मौत का परवान आने से पहले हम लोग भाग चले। मुझे मालूम को कौन बोला? कुत्ते ने बोला। मुझे भी कुत्ते ने कहा छोटे भैया को मानो। कुत्ते के कहने पे मानना पड़ेगा नहीं तो काटेगा। Ah!
अरे ओ कुत्ते के पिल्ले तुम लोगों से बेहतर हैं। एक दूसरे को नोच लो, खा लो। Thank you.
कानून को उंगली पर नचाने वाले नीच, ऊपर की सीढ़ी से पहली सीढ़ी तक लुढ़काने की कसम खाई थी मैंने, याद है ना तुझे? इसलिए मरने से पहले इंसाफ की देवी के पैरों में गिरकर क्षमा मांग ले तू। मिस्टर विक्रम, कुछ लोगों का निजी दुश्मनी की वजह से भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न जगह पर तुमने कत्ल किया है। प्रोसिक्यूशन का ये इल्जाम है, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? माफ कीजिए योर ऑनर, मुझ पर कभी न साबित होने वाले इल्जाम थोप कर आप मुझसे ही पूछ रही हैं मैं दोषी हूं या निर्दोष हूं, यह आप बता सकती हैं? नहीं बता सकती। इंडियन पीनल कोड में मेरे अपराधों की सजा है ही नहीं। कानून की बारीकियां जानने वाले को सजा नहीं मिल सकती योर ऑनर। लेकिन जो मैं झूठ बोलूंगा तो मां मारेगी मुझे। मां, मैं गुनहगार हूं, मैंने सभी गुनाह जानकर किए हैं। ये सारे जुर्म ममता की मूर्ति मां की सौगंध खाकर कबूल करता हूं। सजा दीजिए योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्रम हालात से मजबूर होकर अपराधी बन गया और अब खुद अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत विक्रम को 5 साल कैद की सजा देती है। कैदी के चाल चलन और बर्ताव के मुताबिक जेल के अधिकारी उसकी सजा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हेलो, नए वर वधू का स्वागत है। थैंक यू। ये साइड कार की वजह से गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, जरा देखना। क्या देखूं मैं, एक जोड़े की कंफर्टेबल गाड़ी में साइड फिटिंग की वजह से गड़बड़ है। ये साइड कार मैंने ही लगाई थी, हटा भी देती हूँ, आराम से जाओ। आराम से जाओ और हनीमून मनाओ, गो अहेड। तुम अब क्या करोगी सावित्री? क्या कर सकती हूँ, जिन्हें मेरे हाथों ने मिलाया उस दूल्हा दुल्हन को ऐसे हाथ जोड़कर